ये कहता है कि मैंने अबूजर के साथ मस्जिद हराम का रोक किया, मैं अबूजर के साथ था, अबूजर ने मस्जिद हराम का रोक किया, मैं उनके साथ साथ मस्जिद हराम में दाखिल हुआ। जैसे ही मस्जिद हराम में दाखिल हुए, एक मर्तबा जो खाने काबा का दस्ता है उस कब्जे में हाथ डाला, और एक मर्तबा वहां पर जो हाजरीन थे उनको मुझे नाक करके कहने लगे, क्या कहने लगे, ये कहने लगे कि जो मुझे जानता है वो जान ले कि मैं अबूजर हूं, और जो नहीं जानता वो ये जान ले कि मेरा नाम जुंदब है, और मैंने रसूल को ये कहते सुना है कि इन्ना हुसैना मिसबाह हुदा वसिफी नबुल जा, कि हुसैन इब्ने अली हिदायत का चराग है और नजात की कश्ती। ये बात है अबूजर ने जो बयान की। एक रसूल रसूल अकरम का एक दुश्मन रसूल के साथ, और रसूल अकरम उससे गुफ्तगू कर रहे, गुफ्तगू फरमा रहे, इतने में सरकार सैयद शोहदा तमसीली का आलम है रिसालत इमाम के पास तशरीफ लाए, मारिफत इमाम पर बात हो रही है ना, तो रिसालत इमाम ने अपने हुसैन की मारिफत कैसे करवाई है दुश्मन हुसैन और दुश्मन रसूल के सामने हुसैन। एक मर्तबा जैसे ही रिसालत इमाम ने देखा कि नवास आ रहा है, नहीं फखरे अंबिया हुसैन आ रहा है, जैसे ही रिसालत इमाम ने देखा एक मर्तबा कहा मरहबन बिका या अबा अब्दुल्लाह। अभी हुसैन इब्ने अली तमसीनी के आलम में है, वो जो अफराद एक नजरिया रखते हैं कि हुसैन इब्ने अली को अबा अब्दुल्लाह क्यों कहा जाता है, उनका एक नजरिया रखने वालों का एक नजरिया ये है कि अब्दुल्ला नाम का बेटा जिस बेटे पर कुनियत करार पाई, लेकिन अभी तो हुसैन इब्ने अली तमसीनी के आलम में है, कोई एक अब्द भी नहीं हुआ है, और हुसैन इब्ने अली को रिसालत इमाम का अबा अब्दुल्लाह कहना इस बात की दलील है हम सारे के सारे इंसान है अब्दुल्ला और हमारा सरदार अबा अब्दुल्लाह हुसैन सैयद शुहदा। अच्छा ये बात बड़ी अभी बाकी है, दुश्मन रसूल सामने अपनों के सामने आपों की फजीलत बयान करना एक और बात है, अपनों के सामने आकाओं का जिक्र कर लेना एक और बात है, दुश्मन के सामने, दुश्मन के सामने एक मर्तबा रिसालत वहां पे जैसे ही कहा या मरहबन बिका या, साथ कहिएगा मरहबन बिका या अबाउल्लाह या ज़ैन अस-समावात वल-अर्ज़ी ऐ ज़मीनों और आसमानों की ज़ीनत हुसैन। जैसे ही मौला ने जैसे ही मौला को रिसालत बाद ने कहा एक मर्तबा रसूल का दुश्मन जिसका नाम उबैय बिन ताया उबैय बिन काब ताकर देखिएगा तारीख में, तो मालूम नाम है लेकिन हमारा हमारे और आपके दरमियान मालूम नहीं है, लेकिन खैर चले आप इस ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा। एक मर्तबा जैसे ही सुना कहने लगा या रसूल अल्लाह आपके सिवा भी और कोई जमीनों और आसमानों की जीनत हो सकता है क्या। एक मर्तबा फरमाने लगे कि इन हुसैन फि समा अकबर मा भी फिल अर्श, रिसालत मां इरशाद फरमा रहे हैं तुमने जाना ही कब है हुसैन को, हुसैन जितना बड़ा जमीन पर है उससे कई गुना ज्यादा बुजुर्ग आसमानों पर है, यानी जमीन वालों को हुसैन की अभी मारिफत नहीं हुई है आसमान वालों को मारिफत है, इसीलिए तो आसमानों पर खुदा ने लिखा है जमीन अर्श पर अर्श के दाहिने हिस्से पर इन हुसैन मिसबाहुल हुदा वसफीनतुन नजात। अगर कोई हिदायत का चराग तलाश कर रहा है और अगर कोई नजात की कश्ती ढूंढ रहा है तो किसी और दर पर न जाए, अल्लाह ने दर हुसैन इब्न अली खोल के रखा है। आ जाए हुसैन पर आ जाए हुसैन की जो आला तरीन मारिफत हुसैन इब्ने अली है वो हमें और
बिल्कुल नीची, यानी कि मौला की बायोग्राफी का जानना, नाम जानना, उम्र मुबारक जानना, वालिद का नाम क्या है, वालिदा का नाम क्या था, मुद्दत इमामत कितनी थी, ये सारी बातें तो वो थी कि जो दुश्मन भी जानता था। मगर ये सारी बातों को जान लेने दुश्मन को कोई फायदा नहीं पहुंचा है, इसलिए कि मारिफत हुसैन इब्न अली मारिफत आयमा यथार अलैहि सलाम मारिफत इमाम महमूद अलैहि सलातो व सलाम वो बीज है कि जिसको बोया उसी जमीन में जाता है कि जो जमीन इस बीज को कबूल करने के लिए काबिल हो। जो बंजर जमीन होती है उसमें मारिफत का बीज कभी पनपता नहीं है। अरे भाई आंखों की मिसाल पेश करूंगा आपको, एक संदूक ले लीजिए, उस संदूक के अंदर खजूर का बीज भर दीजिए, सालों बड़ा रहेगा, कभी एक कोपल भी उससे न निकलेगी, लेकिन उसे आपके हवाले कर दीजिए, उसमें पानी मिला दीजिए, आपको अरबी जबान में कुरान कहा जाता है। देखिए चल अब यहां तक बात आ गई तो एक बार और सुन लो, मौत के बाद इंसान के अनासिर अनासिर खिलकत कितने, चार अनासिर खिलकत इंसानी चार है, आग हवा पानी और बत्ती। बत्ती को अरबी में कुरान कहते हैं, ठीक है। इंसान की मौत के बाद हवा इंसान से वफा नहीं करती, बदबू को हवा अपने दोष पर लेकर दरिया दरिया फिरती है, अगर मर जाए पानी के हवाले कर दिया जाए तो कबूल नहीं करती, सच है पानी पर तैरती रहती है, आग के हवाले कर दिया जाए तो जला देती है, सिर्फ एक कुरान है कि जिसमें दफना दे तो कयामत तक अमानत रखती है, इसीलिए तो कहा अबू कुरागी हो जाओ, हम और आप एक कुरान से बने हुए, हमारा सरदार है अबू कुराग, जिस जिसकी खिलकत कुरान से हुई है और अगर वो अपनी खिलकत पर अपनी फितरत पर सलीम है सलामत है तो वो अबू कुरागी होगा। इंसान को परवरदिगार आलम ने अहले बैत की
چاہیے ان کی تشریف فرمائے. یہ کہا جاتا ہے کہ مولانا محبت اہل بیت کی بات نہ کریں کہ شریعت کے کوئی کام کی بات کریں. کوئی کام کی بات کریں محبت اہل بیت تو آپ نے بہت سمجھا دی. ایک بات یاد رکھیے گا, عمل کی بات ہوتی ہے اس وقت عمل کی مثال کیسی ہے جسم جیسے, اور محبت اہل بیت کی مثال ہے روح جیسے. انسان عمل پر عمل کرتا رہے, روح محبت اہل بیت اس میں پڑی نہ ہو تو بے جان جسم کس کام کا ہو. اچھا یہ بات تو میں نے کہہ دی, یہ دعویٰ تو ہو گیا, دلیل کیا ہے؟ دلیل سنی, بغیر دلیل کے تو بات نہیں ہو سکتی. دعویٰ یہ ہے Thank you.
मोहब्बत मोहब्बत हमने अहले बैत से कर दी है। इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या है? मैंने बार बार रोजाना एक जुमला आपकी खिदमत पेश किया है, आज भी रख रहा हूं। इसका अल्टीमेट रिजल्ट यह है कि इंसान तस्लीम की मंजिल पर आ जाता है, इंसान इताअत बहस की मंजिल पर आ जाता है। तो मोहब्बत जिसकी होगी इंसान के दिल में एक मरतबा वो वही करेगा। हमें जीना कैसे है और आप ही हुक्म दीजिए तो मरना कैसे है। ना जिंदगी मेरी मर्जी की है ना मौत मेरी मर्जी की है, ये नहीं होगा, ये थोड़ी होगा। बेटा मिला नाम इब्राहिम रखा
उस रास्ते पर बिठा दिया कि जिस रास्ते से जाए वो गुजर होता था। एक दरख्त के साए में बैठा था, बहुत ज्यादा अच्छी गर्मी की वजह से दरख्त के साए में बैठा, जब कोई नहीं आया एक मरतबा उसकी आंख लग गई। जब आंख लगी बेकूफ सोने की बात कर रहा हूं कि जब इस काबिल हो गया कि माता उसकी नजर पूरी करे। एक मरतबा आलम खान ने देखा कि हाथ से जैनी की सजा आई कि इस शख्स को ले जाकर जहन्नम की आग के हवाले कर दिया जाए। दो फरिश्ते उसकी तरफ बढ़े, एक ने दाएं शाने से पकड़ा, दूसरे ने बाएं शाने से पकड़ा। लेकर जैसे जहन्नम की जानिब चलने लगे नीरान की तरफ, एक मरतबा सदाए नबी आई कि इसे जहन्नम में नहीं डाला जा सकता। सवाल किया फरिश्तों ने, अरे इलाहा ये बड़ा बातें हो रही है, क्या वजह है? परवरदिगार आलम जहां सदाए नबी आते फिर रहेगी आवाज उधर आई कि इस बच्चे के सर में उस रास्ते की खाक पड़ी है कि जहां से जाहिर हुसैन का गुजर होता है। एक मरतबा उसे आजाद कर दिया, वहां से तो उसे आजादी मिली मगर हुसैन की गुलामी की नेमत से सरफराज हो गया। एक मरतबा जैसे ही आप खुली अपने बाप के पास आया, कहा कि आपने मुझे धोखा दिया था, आपने मुझे धोखा दिया था इसलिए कि जिस हुसैन के दर को आपने रजीलतों वाला नाउज बिल्लाह मिन जालिक बताया था, वो दर तो रजीलतों से भरा हुआ दर है। और एक मरतबा अपना खाब बयान किया, आप देख रहे हैं हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम से हिदायत पाने वाले किस आलम में काबिलात पर आ जाते हैं। हम और आप इन छोटी छोटी चीजों पर डर रहे होते हैं कि तुम फला चीज अंजाम नहीं देते, तुम फला नहीं करते, तुम्हारा ये करने का था फाल फाल कोई फायदा नहीं है, तुमने वो नहीं किया तो ये करने का फायदा नहीं, ये नहीं किया तो वो करने का फायदा नहीं। छोड़ दीजिए फैसले अल्लाह की जात पर, छोड़ दीजिए फैसले अल्लाह के खास बंदों की जात पर, छोड़ दीजिए इंसानों के फैसले करने की जहमत आप न करें, अपने गिरेबान में जाकर खुद को ठीक करने की कोशिश करें। और बाकी मोमिनों का क्या है, वो मोमिनों के अमीर की बारगाह में छोड़ दीजिए, उन्हें जैसा ठीक लगता है वो वैसा कर देंगे। और इस घर से कोई किसी को खाली नहीं जाने देते मौला। आप देखिए काफिले जाहिर हुसैन का अजम बनने का अजम लेकर वहां बैठा, हुसैन ने कहा नहीं हम चाहते हैं कि तू राह हिदायत पर आ जा। कहां से कहां पहुंच आया, उनकी मिसाल ले ली। ये वो दर है कि जो दर मर्जी पर निगार आलम के पूरे होने का दर है, मददगार दर है, जिन्होंने अंबिया की मदद की हो। हमारा असल में होता ही हुए क्यों, जब बात आती है ना क्या करूं, हाँ बहू मादरे मूसा की तरफ रही हुई, हजरत मूसा अलैहि सलाम की वारदात पर परवरदिगार आलम ने रही परेशान न हो, आप खौफ से हुजूम न करें, हम आपके बेटे को आज ही अभी अन करीब आप तक पहुंचा देंगे, पहुंचा देंगे आप तक, आपका बेटा और मूसा अलैहि सलाम आप तक पहुंचा देंगे। हम उस बच्चे को किसी और मां के दूध से ऐसे महरूम रखेंगे कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके सरमाए हयात से शराब होगा। और जनाब मूसा अलैहि सलाम उस काउंसलिंग के आलम में अपने मादरे गिरामी के अलावा और किसी से सैराब न हुए, तो जो फखरे मूसा मोहम्मद मुस्तफा हो, अच्छा वही हुई हजरत
موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر وہی ہونا اس کے معنی ہی ہوئے حضرت مریم پر بھی وہی کون وہی لے کر آیا امین بھائی خدا وہی لے کر آیا یہ یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آتی ہے اب جب بات یہ ہوتی ہے نا کہ مادر علی ابن ابی طالب فاطمہ بنت اسد پر وہی ہوئی تو وہی کی سویا یہاں پر آ کر لگ جاتی ہے کیسے ہو سکتا ہے جناب فاطمہ بنت اسد گھر سے چلی اس وقت کے جس وقت دنیا کی کوئی اور عام عورت ہو عام عورت کی بات ہو رہی ہے جو کوئی عام شخصیت نہیں ہے جس طرح سے دیکھیں جس طرح سے منصب امامت اللہ چنتا ہے اور اس منصب پر اللہ امام کو اللہ اپنی مرضی سے فائز کرتا ہے اسی طرح سے امام کی والدہ کون بنے گی نبی کی ماں کس نے بننا ہے یہ خدا طے کرے گا ظرف خدا طے کرے گا کہ کس ظرف میں میرے نمائندے نے بات کہنا اتنا پروردگار عالم کی جانب سے اس اتفاق کی منزلوں پر خیال رکھا ہوا آپ سوچیے ورنہ بی بی شہر والوں سلام اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے سفر اختیار کیا ہے مدینہ کا فارس سے تشریف لے کر آئیے یزدان کی بیٹی ہے اور کیسے تشریف لے کر آئیے اس لیے کہ مادر سید سجاد بننا تھا اور اللہ نے آپ کو مادر سید سجاد بننے کے لیے چنا قرآن کریم کے اندر جناب مریم کے لیے کیا کہا گیا ان اللہ اصطفا کے بتا رکھے مصطفا کے اللہ نے سایہ لگی اے رب ذو جلال نے کوئی حیثیت نہیں کہ مجھ پر کوئی سوال رکھوں لیکن سمجھنے کے لیے یہ پوچھنا چاہتا ہوں ایک مرتبہ جب آیت نے اصطفا کے کہہ دیا تھا تو پہاڑے کے بعد دوبارہ اصطفا کے کہنے کی کیا ضرورت تھی تو یہ دو استفاع ہے دو چناؤ ہے جناب مریم کو پروردگار عالم نے معصومہ بھی بنایا اور مادر عیسیٰ بھی بنایا یعنی کہ یہ چناؤ کی ایک ایسی منزل ہے کہ جو ہم اور آپ نہیں رب ذو جلال کی مرضی سے طے ہوتا ہے یہ بھی منزل استفاع ہے لہذا جناب فاطمہ بنت اسد کے جسے اللہ نے چنا اپنے علی ابن ابی طالب اپنے ولی علی کی ولادت کے لیے اس عالم میں کہ جس عالم میں خواتین اپنے گھر کا رخ کرتی ہے مادر علی نے خانہ کعبہ کو رخ کیا ایک بار دوسری بار جیسی کعبے کے پاس اگر کھڑی ہوئی ہے اگر ارادہ یہ ہوتا کہ میں نے کعبہ کے اندر جانا تھا تو کعبے کی دیوار کے پاس اگر کھڑی نہ ہوتی کعبے کے در کے سامنے آ کر کھڑی ہوتی اس کے معنی یہ ہوئے کہ آئی نہیں ہے بلائی گئی ہے لہذا وہی آئی جہاں بلایا گیا اور اللہ نے دروازے سے جناب فاطمہ بنت اسد کو داخل کر دیا ہوگا اور فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کو دروازے سے داخل کر دیتے ہیں دروازے سے ہی باہر لے آتے یہ در بنانے کی کعبے کی دیوار میں ضرورت اس لیے کی کہ پروردگار عالم بتلانا چاہتا تھا کہ ایسی مثال تاریخ میں صرف ایک علی کے لیے ہوگی یہ ولادت چونکہ خاص کعبے میں ہو رہی ہے لہذا در بھی خاص بنے گا دوسری بات یہ چونکہ یہ علی وہ ہے کہ جو حقیقی وارث کعبہ ہے جو وارث ہوتا ہے اس کی مرضی ہے دروازے سے آئے یا جہاں سے آنا چاہے وہاں سے آئے دیوار میں درد صرف درار نہیں آئی ہے صرف درار نہیں آئی ہے درار کریک کو کہتے ہیں اور در جتنی دیوار کھلی ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کے اندر جانے کا راستہ ہوا دیوار بند ہوئی تین دن تک بی بی اندر جوفے کعبہ میں رہی جب باہر آنے کا موقع آیا پھر دیوار چھپ ہوئی پھر در بنا پھر باہر تشریف لے کر آئی اور اتنی دیر تک دروازہ خانہ کعبہ کو قفل پڑا ہوا تھا جیسے دیوار بھگی ہے نا در بنا ہے اندر سے آواز آئی کہ اندر تشریف لے آئیے کوئی ایسا در ہو کہ جو اتنے عرصے سے بند پڑا ہے جس میں وہ رہتا نہ ہو وہ اگر دروازہ کھل کر جائے اور اندر سے آواز آئے کہ اندر آ جاؤ اچھے سے اچھا مرد جو ہو تو فرار کر جائے لیکن یہ فرار کیوں کرتی فرار کی ماں ہوگی تو فرار کرتی کہ وہ پیدا کر رہا کی ماں ہے
शहरों को निशा देता है, न्यू मोमिन को मुनाफे को धुआ देता है, अपने नब संगे बड़े शाह के बलते रहिए, ये वो पत्थर है तुमके लिए सजा देता है। जनाबे सुगेदा जनाबे फातिमा बिन जैसे बिन जैसे सलामुल्लाह अलैहा जो तशरीफ लेकर आए हैं, इस अंदाज से उनका आना ये बतलाता है कि आप पर परवरदिगार आलम ने वही फरमाई, और जाकर उन अल्फाज को कहिए कि जो अल्फाज बीबी ने दरबार दीवार काबा के सामने शक होने से पहले दीवार के शक होने से पहले पढ़े थे, खुदा ने तुझ पर ईमान रखती हो, जिन अंबिया को तूने भेजा उन पर ईमान रखती हो, जो अंबिया किताबें लेकर आए उन पर ईमान रखती हो, जो अंबिया पैगाम लेकर आए उन पर ईमान रखती हो, मैं तुझे वास्ता पेश करती हूँ उसके वास्ते से जो मेरे शिकम में है मेरी मुश्किल को हल कर। अभी अली दुनिया में ना आए थे तो अपनी माँ की मुश्किल को हल कर रहे थे, वो अली के जो दुनिया में आने से पहले अपनी वालिदा की मुश्किल को हल करे, वो दुनिया में आने के बाद अपने चाहने वाले की मुश्किल को हल करे तो बुरा क्यों लगता है। एक बात, दूसरी बात, हम यकीनन ये हमारा मुसलमान अकीदा है कि परवरदिगार आलम ने वो दरवाजे रखे हैं कि जो दरवाजे खुद इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम किसी मुसीबत में गिरफ्तार हुआ करो फस्तईनु बिना हमारे जरिए से मदद हासिल करो, हमारे जरिए से मदद हासिल करो, फस्तईनु बिना के माना क्या है, ऐसी हालत में निकलता नहीं घर से कोई, इस तरह बिनते असद उसको दबाना होगा, या तो अनवारे इमामत के इशारों पे चली या तुझे खाना है काबा ने बुलाया होगा, अनवारे इमामत के इशारों पे चलते चलते वो अनवारे इमामत के जो शिकम है मुबारक के जनाबे फातिमा बिनते असद में बात हो गई, मलाई करना तो इस्लाम की सूरत है, सूरत वही। अच्छा अब बात क्या होती है, बहुत सी मरतबा इंसान के ईमान को और मुनव्वर करने का जरिया, इंसान को तस्लीम की तरफ और बढ़ाने का जरिया, जैसे इंसान इन पाक हस्तियों का जिक्र सुनता है, जानते हैं कोई कहता है गरीब फजील अच्छे आपने ज्ञानी मरतबा कर ली तो आंखों को जोड़ कर कहूंगा, कोई आपसे कहता है कि वही सूरह फातिहा दिन में दसों मरतबा पढ़ी, कोई कहता है ये तो वही सूरज है आज फिर से निकल गया, इसके माना ये हुए कि जब सूरज हर रोज तुलू होता है एक नई रोशनी के साथ तुलू होता है, और जैसे कुरान की एक ही आयत 10 मरतबा पढ़ी जाए अगर 11वीं मरतबा पढ़ो तो दिल के ईमान के एक नए रूप में इजाफा होता है, उसी तरह से जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिक्र है अगर 100 मरतबा भी करो उसके बाद भी अगर जिक्र करोगे तो तुम्हारे ईमान में इजाफे का सबब बनेगा, कमी का सबब नहीं बनेगा। ये वो जिक्र है कि जिसकी जिक्र की तमन्ना की है जनाबे सैयदा, ये वो जिक्र है कि जिस जिक्र की आरजू की है रिसालत का, और ये वो है कि जो उन्हें कामयाब और कामरान करता है। मारिफत आइमा अठारह लेकिन सलाम की बात हो रही है, अब मैं बात को मुख्तसर करूं इसलिए कि हमारे वक्त खत्म हो गया, मैं बयान करना चाह रहा था कि मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम ने किस अंदाज से अंबिया की मदद की, लिहाजा जब वो अंबिया की मदद कर सकते हैं अंबिया के मददगार हो सकते हैं तो फिर जब हम उन्हें अपनी मुश्किल के वक्त बुलाए, और उसके अंदर यकीनन ये बातें भी हैं कि जब इंसान किसी गलत बात की तरफ जाने लगे तो ये ऐसी बात आ गई कि इंसान शक पैदा कर रहा है किसी के दिल में, अब ये कैसे हो गया, ऐसे कैसे दूर कर दिया, ये तो हमारे बाप के जैसे आम इंसान थे, हुसैन इब्न अली को नाउजुबिल्लाह हमारे बाप के जैसे आम इंसान थे, नाउजुबिल्लाह में डाले ये शुभात है जो हमारे दिलों में डाले जा रहे हैं, इसलिए कि ये हमारे लिए हुज्जत है, जैसी जिंदगी हमने गुजारी वैसी उससे ज्यादा सख्त जिंदगी हमने गुजारी, हम जैसे खाकी पैकर में अल्लाह ने अपने नूर को रखकर हमारे दरमियान हमारी हिदायत के लिए भेजा,
एक
زیارت امام معصوم کو صرف چودہ دن اور پروٹوکول یہ ہے کہ جب جاؤ کسی امام معصوم چودہ میں سے کسی ایک معصوم کی زیارت کے لیے تو اپنا چہرہ ان کی زمین کی طرف رکھنا اور اپنی پشت قبلے کی طرف رکھنا ٹھیک یہ افضل مقام اور پوزیشن ہے امام معصوم کی زیارت کرنے کے باقی جو غیر معصوم ہستیاں ہیں ان میں یہ نہیں بس کہ جو معصومین کی فہرست میں تو نہیں ہے مگر اتنے قریب ہے منزل اس مکہ کبری سے اگرچہ ابو الفضل عباس اس مکہ صغرا میں ہے لیکن قریب قریب فرق ہے اس مکہ کبری سے صرف ابو الفضل عباس نہیں حسین ابن علی کی دکھلاری بہن زینب کبری اور ان کا نام بھی اس میں شامل ہے تو جب یہ دو بستیاں ہیں ان کی زیارت کے لیے جانا تو چہرہ زمین کی طرف رکھنا اور پشت قبلے کی طرف رکھنا اچھا یہ بات ہو گئی کربلا میں عصر عاشور مولانا حسین علیہ السلام نے آقا عباس علیہ السلام کے لیے ایک جملہ کہا کہ جو کسی معصوم نے اور دوسرے غیر معصوم کے لیے نہیں کہا یا اخی ارکب بنفسی انتا یا ارکب بنفسی انتا یا اخی اے عباس میرے بھائی سوار ہو جاؤ میں تم پہ فدا ہو جاؤ میں تم پر فرمان ہو جاؤ اور حسین معصوم عباس علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمائے سوچی کیا مقام ہوگا بفضل عباس علیہ السلام کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جو معصومین اب دیکھیں ایک بات ہے ایک بات ہے غیر معصوم ہوتے ہوئے بھی تک کے اولاد ہی جس نے سجد نبوت جس سے وہ بھی نہیں ہوتا ہے میرے پاس بک رہی ہے وہاں پر ایک جملے کی تفصیل ہے سوچیے اس عباس علیہ السلام کی اطاعت و وفا کا کیا اندازہ ہوگا خانہ کعبہ کی چھت پر تشریف لے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں الحمدللہ الذی شرف ہذا بقدوم ابی بکر اشاروں کے ذریعے سے زبان سے بھی بتاتے ہیں اشارہ کر کے بھی بتاتے ہیں ہاتھوں کا بھی استعمال کیا زبان کا بھی استعمال کیا ویسے ہی جیسے رسالت باب میں خدیر نے کیا تھا ایک مرتبہ کہا الحمدللہ الذی شرف ہذا بقدوم ابی بکر کعبے کی چھت پر کھڑے کیا فرمانے ہم ہے خدا کی کہ جس نے اس کعبے کو شرف بخشا میرے کس آقا حسین کے بابا کے قدموں کے صدقے میں اس کے معنی یہ ہوئی کہ یہ شرف علی کا نہیں ہے کہ کعبے میں پیدا ہوئے یہ شرف کعبے کا ہے کہ علی کعبے میں تشریف لائے اس لیے کہ علی کو کعبے میں آنے سے پہلے بھی علی تھے من کانا فی الامس بہتر اصبح قبلتا جو کل تک گھر تھا علی نے اسے قبلہ بنایا ایوہ الکفر پر فجرہ اے کافروں اے فاسقوں اے فاسقوں تصدیوں میں طریق البیت لے امام برارہ کیا تم کعبے کا راستہ امام برارہ کے لئے ان کو شرم نہیں آتی میں آپ کو جوڑ کر کہوں اگرچہ میری حیثیت نہیں بس اگر میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ میری کیا حیثیت کہ میں مولا عباس علیہ السلام کے سامنے زبان درازی کر دوں لیکن اجازت طلب کرتے ہوئے مولا سے سمجھنے کے لیے اگر پوچھا جائے تو آپ کی اجازت دیں گے مولا یہ سارے احرام کی دو چادریں پہن کر کھڑے ہوئے ان کو آپ کو فاسق ثابت کہنا اس کی کیا حکمت ہے مولا اگر سمجھا دے تو آپ کو کہہ دے گا مولا ارشاد فرمائے دلوں میں بوز حسین لیے اور انہیں پہلوؤں میں حسین کو قتل کرنے کے لیے خنجر چھپائے ہوئے آپ پر اگر کعبے کا طواف کر رہے ہیں حج کرنے کے لیے کچھ بھی ہو سکتے ہیں مگر اللہ کے بندے نہیں ہو سکتے کیا ہے فاسق و فاجر ایوہ الکفر الفجر اگر اللہ کے حوالے توقیف کیا نہ ہوتے یعنی کہ پرور دیدار عالم کی قدرت ایک نظام کے تحت اگر
इतना समझ लीजिए बोला पास चले चला तो आप ही दूंगा अगर तुम चाहते हो गलती की है कुरैश वालों ने कि वो रसूल को कत्ल करना चाहते थे मगर न कर सके जब तक के अली के बिना तालिब जिंदा थे और तुम भी गलती कर रहे हो हुसैन यानी कि रसूल की बेटी के बेटे को कत्ल करने का इरादा करते और तुम उस वक्त तक नहीं कर पाओगे कत्ल जब तक के अब्बास जिंदा है अगर तुम हुसैन इब्न अली का सर काटना चाहते हो तो आओ पहले अब्बास का मुकाबला करो इसकी लाश पर से गुजरो फिर आप हुसैन इब्न अली पर कुर्बानी कर सकते हो अगर अजीजो अब्बास के लिए तलवार चलाना आसान था तलवार रोक लेना मुश्किल था मगर चूंकि रुकने इमाम देखा कि तलवार नहीं चलाना अब्बास ने न छू किया न चला कहा इज़न बिकता फिका तस्लीमन ले अमर के या सैयदी ए अल्लाह के इमाम ए हुसैन इब्न अली आप ये फरमाते हैं कि तलवार नहीं चलाना अब्बास का बात नहीं चलाएगा बस मेरे बात को खत्म करो परवरदिगार इसी सच से अल्लाह के सच्चे में हमारी मारिफत इमाम अली सलाम के इजाफा करना हमारे अंदर परवरदिगार तस्लीम और राजी में अहले बैत का मानता बहुत ज्यादा फरमाता है आज जिस बीबी की शहादत का दिन गुजरा एक रिवायत के मुताबिक वो जो बीबी थी के करबला के वाके में करबला के वाके के बाद बीबियों में अहले हरम में जिस बीबी को सबसे ज्यादा मारा गया वो यही अब्बास की बहन ज़ैनब बिनत थी किसी ने सवाल किया कि अकीला बनी हाशिम बीबी के सर के जख्मी होने का सुना दे जैसे ही कोई बच्चा पुश्त नाका से गिरता था शहजादी खुद को पुश्त नाका से गिरा लेती थी ताकि काफिला रुक जाए और बच्चा नाके की ताकों तले बांबार होने से बच जाए मगर जब बीबी नाके की पुश्त जमीन पर आती थी तो हाथ पसे कुछ न करते होते थे गिरने वाले जब सहारा लेता है गिरते वो तो हाथों का सहारा लेता है या उन फजल लतार जब सवारी से जमीन पर आए हाथ कट चुके थे या अब्बास की बहन ज़ैनब कुबरा जब उसके नाका से जमीन पर गिरी है हाथ पसे पुश्त बंधे हुए थे या चेहरे के बल आई है या चल गए चादर जहां जहां मुमकिन होता था शहजादी चादर का सवाल करती थी चादर मिल जाती थी मगर हाय शिवरे लही फिर लोग कहते था कि अली के वरीय से शहजादी के सर से चादर मगर आलियों खुलिये मलबों को गिरफ्तार करके मुख्तार के दरबार में लाया गया एक मरतबा कहने लगा बता तेरा जुर्म क्या है कहा कि मैं नहीं बयान कर सकता कहा कि मैं हुक्म देता हूँ अगर तूने बयान न किया तो तेरे सर और गर्दन में जुदाई डाल दी जाएगी एक मरतबा कहने लगा मैं बस बयान तो कर दूंगा मगर ऐ मुख्तार तू बर्दाश्त न कर सकेगा कहा तुझे कत्ल किया जाए उससे बेहतर है कि अपने इरादे जुर्म को ले एक मरतबा खुलिये मलबों कहता है मैंने देखा करबला के मैदान में लूट मची है खैमों को आग लगाई गई एक एक बीवी दूसरे खेमे में मुंतकिल होती जाती थी सारी बीवियों के सरों से राव को छीन लिया गया एक बीवी थी जिसके सर
तुम्हारी आदत कौम इज़ालिमी नवसे आदम लदीन लाकदम आदम मुहम्मद Amen.